मैं अपने इस नालायक बेटे को कैसे समझाऊं? अब अगर ऐसे में इसने विक्रम के खिलाफ जान से मारने का केस वापस नहीं लिया तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ले जाओ इसे। ध्यान रखिएगा अपना। अरे अंकल जी, एक मिनट बात तो सुनिए, आपको किसी से ना मिलवाना है मुझे। शालू इधर आ। अच्छा ये देखिए, मेरे पास दो फोन्स हैं। तो हम क्या करें? बता रही हूँ ना अंकल जी, ये मेरी फ्रेंड है शालू, इसको ना मैंने काम दिया था और मानना पड़ेगा क्या काम किया है लड़की ने। ओहो, काम क्या किया वो तो बता दूं आपको। एक्चुअली ना मैंने शालू को कहा था कि ये सारा ड्रामा जो हो रहा है इसे रिकॉर्ड कर ले। बहुत अच्छे से शूट किया है आपका सबका ड्रामा। देखो 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 देखो, तो ज्यादा इज्जत हसन नहीं हो रही है क्या? होने वाले ससुर समझ के कब से इज्जत से बात कर रहे हैं, पर आप लोगों की नौटंकी खत्म ही नहीं हो रही। मेरी बेटी को उठा के ले जाऊंगा मैं। आज मेरे बेटे राकेश की बारात बिना दुल्हन के गई ना तो मेरे सारे युवा कार्यकर्ता भड़क जाएंगे और इस पूरे बरसाना को आग लगा देंगे। आग तो अंकल जी, जो आपने ये सारा तमाशा किया है और धमकियां दी है ना, ये सब कुछ इसमें रिकॉर्ड हो गया और ये रिकॉर्डिंग में आपकी वो युवा शक्ति को भी जरूर दिखाऊंगी। अरे उन्हें पता चलना चाहिए ना सच का कि अगर उनके एमएलए के बेटे को किसी ने जान से मारने की कोशिश की है तो वो अगले दिन यहाँ मंडप में क्या कर रहा है। उसे तो हॉस्पिटल में होना चाहिए था, इतनी मार खाने के बाद मंडप में शादी करने पहुंच गया। अब आपके पार्टी के लोग भी घास तो नहीं खाते होंगे ना, वो भी तो रोटी खाते। इतनी अकल तो इनमें भी है कि ये रिकॉर्डिंग देख के समझ जाए कि उनका नेता और उसकी औलाद कैसी है। आपके राज में उनकी लड़कियां कितनी सेफ है पता चलना चाहिए ना भाई, कि आपके सुपुत्र ने कितनी लड़कियों के साथ क्या क्या किया और कितनों की जिंदगी खराब की है। सुगंधा, डिम्पी, पिंकी और न जाने कितनी, बस ये वीडियो वायरल करने की देर है। वैसे शुभ काम में देरी कैसी, अभी कर देती हूँ वायरल तो मैं। वैसे अंकल जी, आपकी पार्टी वाले पीटेंगे आपको और आपके इस बेटे को अगर आपने विक्की के खिलाफ केस वापस नहीं लिया तो। बोलो कर दूं क्या वायरल? वैसे एक और बात है यार, मतलब आपके इलाके की 50% वुमेन वोटर्स, वो तो आपको वोट देंगी ही नहीं इस बार। मतलब 50% वोट्स तो गई और बची 50 ना, उसमें से 30% और लगा लो आप, वो भी कट, क्योंकि वो उनके बाप बेटे भाई कोई तो होगा ना उन लड़कियों का, वो भी आपको वोट्स क्यों देंगे बताइए। मतलब कुल मिला के 70% वोट्स तो ऐसे ही चली गई। इस बार तो पत्ता साफ है आपका अंकल जी, अब आप ही बताओ हिम्मत है आप में इस बार की इलेक्शंस लड़ने की? लगता है गुरुद्वारे वाले ग्रुप को फिर से यूज करना पड़ेगा। पुत्र जी हमें माफ कर दो, ये वीडियो वायरल मत करना, हम आपसे माफी मांगते हैं। विक्रम जी, जसवंत जी, हम आप सबसे माफी मांगते हैं, हमें माफ कर दो। और विक्की का केस? विक्की का केस ये नहीं करेगा, विक्की के खिलाफ कोई केस नहीं करेगा, मैं वादा करता हूँ आपसे, अब तो हमें माफ कर दो। इलावत, उन तो अपने मुंडे नु लेके इतनी देर दफा हो जाए और आज के बाद इस घर की तरफ नजर मत डालना। चलो निकल। सॉरी बाबूजी। नेक पुत्र, आपके दिल में बच्चों के लिए बहुत प्यार होता है लेकिन उसे दिखाना नहीं आता। एक बात गांठ बांध ले पुत्र, तेरे बाबूजी भी तुझे बहुत प्यार करते हैं, अपनी जान से भी ज्यादा। जानती है पुत्र, ऊपर वाले ने माँ बाप क्यों बनाए? क्योंकि माँ अपने बच्चों को प्यार और दुलार दे और बाप हमेशा अपने बच्चों की ढाल बनकर उनकी मुसीबतों में खड़ा रहे। पुत्र आखिरी दम तक तेरे बाबूजी साथ हैं। क्या बाबूजी, सारा प्यार आप एक ही बेटी पे लुटा देंगे और दूसरी बेटी का क्या? सबसे डांट खाती हूँ इस घर में लेकिन किसके साथ गलत नहीं होने देती। हाय बाबूजी, देखो मम्मी कितने गुस्से में देख रही है मुझे। और तेरे बाबूजी के होते हुए कोई कुछ नहीं करेगा, भले ही तेरी माँ क्यों ना हो। आजा आजा मेरे पास आजा।
वाहेगुरु हमेशा तुझे खुश रखे, तुझे और परनीत को हमेशा साथ रखे। ये तेरी मेरी दोस्ती है जिंदगी की आस। व्याह तो नहीं हुआ पर व्यादा खाना तो तैयार है ना, चलो चलो सब खाना खा के जाना। बहुत ही बेइज्जती की है हमारी, इतना अपमान कोई करता है? चलो निकलो। जाएच रुको, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। क्या बात करनी है? दूर हट। मालिक शानी, ये आपने क्या किया? अरे उनको उनकी औकात दिखाने की जगह पे आपने मेरी बेइज्जती की। अरे समझा अपने इस लाल को। मैं समझा दूंगा। तेरे इस लाल ने वहाँ सबके सामने मेरा मुंह काला कर दिया। अरे शुक्र मना कि मैंने तुझे थप्पड़ मारा वहाँ सबके सामने, वरना वो जितने लोग थे ना वो सब के सब तुझ पर टूट पड़ते। तेरा हाल क्या बना थे तुझे पता है कुछ? वो 2% के लोगों के सामने मुझे तुझ पर हाथ उठाना पड़ा और मैंने खुद भी उनके सामने हाथ पांव जोड़े, वरना MLA हैदराबाद के सामने उस छोटे से 2% के सरपंच की क्या औकात। अरे वो जरा मुझे अपनी कुर्सी बचानी थी, मैं इसलिए चुप था। एक बार मेरी कुर्सी बच जाए उसके बाद देख मैं इस जज्बा में इसके पूरे खानदान का क्या हाल करता हूँ। मैं कुछ नहीं चाहता, मुझे वो पुरनी चाहिए बस। अरे पंडित के चक्कर में तू पागल मत बन, वो तुझे नहीं मिल सकती, उसके भूल जा। उसके चक्कर में तू अपने साथ साथ मेरा पॉलिटिकल कैरियर भी बर्बाद कर देगा, तू समझ क्यों नहीं रहा? ठीक कह रहे पापा तेरे, बेटा बात सुन ले, परमीत को भूल जा। अरे समझा अपने इस लाल को, तेरा ये लाल मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाने पे तुला हुआ है। बच्चा है समझ। अरे बच्चा नहीं है, बाप बनने वाला है ये बाप। और पहले माधुरी का कुछ कर, उसके बाद ये नीति और पंडित का कुछ करेंगे, समझा तू? अरे डैड डैड बिल्कुल तू हट तू। छोटे मालिक आप शांत हो जाओ। पापा सही कह रहे हैं बेटा। अरे हटो ना यार, उन्हें समझाओ ना। समझ जाएंगे वो, तू तो समझ जा। आप कैसे ज्यादा खुद की खुशी की पड़ी है? नहीं बोलूंगा, आज जो मेरी बेइज्जती हुई है जिंदगी में कभी नहीं बोलूंगा। सब ठीक हो जाएगा, तू शांत हो जा। वो नीति और परनीत उन दोनों का तो वो हल करूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगी। शांत हो जा। बर्बाद कर दूंगा मैं उनको, उन दोनों की जिंदगी में बर्बाद कर दूंगा। नीति ये मैं समझना कि यहाँ तेरे से बात बात करने आई हूँ। डोंट ट्राई टू टॉक टू मी। क्या लगा तुझे? ये तेरी मेरी दोस्ती है जिंदगी की आस। मेरा दिल धड़क रहा है तेरे दिल के पास। पर मैं तो करूंगी ट्राई भी और टॉक भी। अच्छा मुझे देर हो रही, यही बतानी आई थी कि अभी भी नाराज हो तुझसे। अच्छा सुन तो, राकेश से बचाने के लिए ढंग से थैंक यू तो बोलने दे। तू मेरी बात पहले ही मान लेती तो मंडप तक बात पहुंचती नहीं ना। अच्छा बाबा सॉरी, प्लीज माफ कर दे। वैसे फ्रेंडशिप में नो सॉरी नो थैंक यू होता है, पर मेरे साथ नहीं चलेगा। जितनी मर्जी सॉरियां बोल ले, मैंने नहीं मानना। अब मुझसे तो नाराज है पर इनसे तो नहीं ना, इन्होंने क्या बिगाड़ा है तेरा? अच्छा तो तेरे लिए गाजर का हलवा बनाऊं? तुझे मेरे हाथ का गाजर का हलवा पसंद है ना? इतनी रात को बना लेगी? तेरे लिए तो दिन रात सुबह शाम कभी भी बना लूंगी, तू बस हाँ बोल दे। गाजर है घर में? बिल्कुल है, प्लीज हाँ बोल दे, मैं बना सकती हूँ। नुपुर एक काम कर, किचन में जाके देखते तो आ कि गाजरे सच में भी है या सिर्फ बनाने के लिए बोल रही है मुझे। ठीक है दीदी, क्या आते हैं। नीति प्लीज यार इग्नोर मत करना। अच्छा मेरी तरफ देख तो सही। मुझे नहीं देखना। अच्छा बाबा गुस्से में ही सही, पर देख तो सकती है ना, देखने में थोड़ी ना मना है। प्लीज नीति। हाँ अभी बड़ा प्यार आ रहा है तुझे मुझ पे, पर जब वो लीचर राकेश वो मुझे घसीट के लेके जा रहा था तब कहाँ गया था तेरा प्यार? तब तो बस खड़े खड़े आंसू बहा रही थी, तब दिखाती ना अपनी केयर। बोली तो थी मैंने रोका था उसे, मेरा मतलब रोकने की कोशिश की थी, अब मैं अपने हिसाब से हैंडल करने की कोशिश। हैंडल नहीं, सैंडल पड़ने चाहिए थे उसे वहां पर, तेरे गिड़गिड़ाने का कोई असर नहीं हो रहा था उस पे। देख परी तुझे अब अपने लिए सैंड लेना सीखना होगा, मैं हमेशा नहीं रहूंगी तेरे साथ तुझे बचाने के लिए, समझ रही है? ऐसे क्यों बोल रही है? क्योंकि ये सच है, एक्सेप्ट कर ले इस चीज को। नहीं मैं नहीं जानती, तू मुझे बचाने के लिए हमेशा आएगी, तुझे आना ही होगा, मरते दम तक तू मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएगी, समझ? री सॉरी यार। देख इसे मुंह से निकल गया। मुंह से निकल गया मतलब ये बात तेरे दिल में थी ना? नीति तू कैसे सोच सकती है कि तू और मैं कभी अलग होंगे? मेरी माँ मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा सच में यार। वेट तो कह रही है तुम मुझसे बहुत प्यार करती है? हाँ तो करती हूँ। अच्छा तो फिर मुझसे क्यों छुपाया कि वो लीचर तुझे परेशान कर रहा था? झूठी कही की तूने अपने रोके और शादी की बात भी नहीं बताई थी मुझे। बड़ी जिंदगी बर्बाद करने चली थी उससे शादी करके, बड़ी आई मुझे फ्रेंडशिप सिखाने वाली।
अच्छा ठीक है, जो हो गया हो गया, पर अब मुझसे प्रॉमिस कर कि आज के बाद तुम मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाएगी, जो भी हो सब सच बताएगी, तेरी प्रॉब्लम्स, तेरे सुख दुख सब कुछ। बोल, प्रॉमिस करती है? देख, अगर प्रॉमिस करेगी तो जिंदगी भर साथ रहूंगी, वरना हमारी फ्रेंडशिप खत्म। तेरा मेरा कभी साथ छूटे नहीं, एक दूजे से रूठे। सॉरी, मैंने तुझसे ये सब छुपाया, पर पक्का आज के बाद तुझसे कभी कुछ नहीं छुपाऊंगी। प्रॉमिस। हो ना कभी तू उदास, मेरा दिल धड़क रहा है तेरे दिल के पास। अच्छा होया भाई साहब, जो आज आपने परनीत को बर्बाद होने से बचा लिया। ओ नहीं, मैंने नहीं, तेरी भांजी ने बचाया है। वो अगर टाइम पर नहीं आती तो हमसे आज बहुत बड़ी गलती हो जाती। पुत्र, आज अगर कुछ ऊंच नीच हो जाती ना तो इसका कसूरवार तू ही होता बेटा। इसलिए सुखविंदर, अगर तुझे ऐसी गलती नहीं करनी है जैसे आज जसवंत से होने जा रही थी, तो तुम दोनों को मेरी ये गल सुननी पड़ेगी। हाँ बीजी, बोलिए ना। मैं अपने तजुर्बे से बोल रही हूँ कि अगर अपनी कुड़ियों के लिए अच्छे रिश्ते चाहिए तो रिश्ते अपने आप ढूंढो, अच्छे घर ढूंढो, रिश्तों के आने का इंतजार मत करो। मतलब बीजी, आप ये कह रही हैं कि सामने से अगर रिश्ते आए तो उसे मना कर दे? ओए नहीं रे, मैं समझाना चाहती हूँ कि जब सामने से रिश्ते आते हैं वो अपनी कुड़ी को देख चुके हैं, पसंद करते हैं, तो ऐसे में तो वो हमारे सामने शरीफ ही बनकर आएंगे ना। अब हमें कैसे पता कि वो सच में शरीफ है या शरीफ होने का नाटक कर रहे हैं? इसीलिए एक रिश्ता जोड़ने वाली ढूंढो। इनके पास एक से एक बढ़िया रिश्ते होते हैं, लड़के से लेकर उनके खानदान के बारे में, घर परिवार के बारे में उनके पास पूरी और पक्की जानकारी होती है। ऐसी एक रिश्ता जोड़ने वाली को ढूंढ के हमारी दोनों कुड़ियों के लिए तो बढ़िया लड़के ढूंढो। उनके पूरे जिंदगी का सवाल है, अच्छे घर में शादी होगी तो वो भी सुखी और तुम लोग भी। मुझे तो बीजी की बात सही लग रही है। जी कम बोलती है, लेकिन जब बोलती है तो 100% सही बात होती है। मेरी तरफ से भी रिश्ता जोड़ने वाली के लिए हाँ है जी, बुला लो। ठीक, फिर मैं अभी कविता को फोन करती हूँ। मैंने तो सुना है कि बरनाला से लेकर आसपास के सारे पिंड के कुंवारे लड़के और लड़कियों के बारे में उसके पास पूरी जानकारी है, और आज तक उसका कोई भी बनाया हुआ रिश्ता टूटा ही नहीं है। हो, क्या बात कर रहे हो बहन जी, जसवंत जी अपनी बेटी राकेश को देने वाले थे? हयो रबा, अनर्थ हो जाता पता। अगर वो मेरे को एक बार पूछ लेते ना तो मैं उसकी सारी कुंडली काले चिट्ठे उनके सामने खोल के रख देती। हाँ हाँ, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। है उधर से बीना जी का कॉल आ रहा है। सत श्री अकाल। हाँ जी भाभी जी, सत श्री अकाल। हाँ जी, दसो आज कितना याद कर लिया कविता को। कविता, क्या तुम कल जसवंत वीर जी के घर आ सकती हो? दरअसल हमें हमारी बच्चियों के लिए दो बढ़िया रिश्ते ढूंढने हैं। हाँ हाँ बिल्कुल आ सकती हूँ, मैं तो वैसे भी यहाँ आई हुई थी, तो अभी 5 मिनट में आती हूँ आपके पास। एक मिनट कविता। बीजी, कविता ना घर के पास ही है, अगर आप बोलो तो अभी बुला लूँ, 5 मिनट में आ जाएगी। शुभ काम करने में देर नहीं करनी चाहिए, बुला लो अभी उसे। कविता, तुम जल्दी आ जाओ, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। हैं? कौन है? मैं हूँ परी। वीजी, आइए ना। वो मैंने दोनों को डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं वीजी, ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो ऐसी बातें कर रहे थे। परी, तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई? नीति जी को सारी बातें बता दी, तुमने मुझे बता दी होती मैं। ओ हेलो, इसने कुछ नहीं बताया मुझे, इसे मत डांटो, मैंने खुद अंदाजा लगाया था, तुम भी लगा लेते। वैसे परी, मुझे ना तेरे वीर जी का ये एटीट्यूड सबसे ज्यादा पसंद है। मतलब वैसे तो पहलवानों की तरह हट्टे कट्टे मुश्तंडे हैं ये, पर मेरे सामने कुछ बोल ही नहीं पाते, टट्टी पट्टी गुल हो जाती है इनकी। जी नहीं जी, वो सी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? वो मैं तो आपको थैंक यू कहने के लिए यहाँ पे आया था। बोलो जी, क्यों थैंक यू? वो आपने परी को इतनी बड़ी मुसीबत से बचाया और मुझे जेल जाने से बचाया, इसलिए थैंक यू कहना चाह रहा था। वैसे एक बात कहूँ नीति जी, आपने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। वो तो है, छोड़ो यार, अपना तो दिल ही ऐसा है, दिलदार के लिए ना जान भी दे सकती नीति जुनेजा। वीर जी नीति को ऐसे क्यों देख रहे? लगता है मामला गड़बड़ है। एक मिनट, तुम दोनों बहन भाई के चक्कर में मेरी गाजर के हलवे के क्या कम बनाएगी? ओ हेलो, ए बहरी, सुना मैंने क्या कहा? हाँ वो मैं बना के दूंगी ना। कब बना के देगी? चल अभी बना, पता है कितना टाइम लगता है उसे बनाने में। चल चल जा।
ये बाद में कर लेना, जहाँ गाजर का हलवा बना के ला। तो विकी अब बोल, अब करो मेरी तारीफ, बताओ कि कितनी महान हूँ मैं। बीजी बस टाइम कितने होता है आंदा। फिर सोचा मैं कभी चलो ठीक है, बहुत बिजी, सारा दिन बिजी, सारा टाइम कितने चला जाता पता ही नहीं चलता। बस हाँ जी, दोनों के लिए लड़का देखना है। हाँ मुझे लगता है इसकी फोटो तो मैंने पहले भी कहीं देखी है। के लड़के की बात कर रही थी, उनके घर से फोन आया। एक मिनट। हाँ जी। हेलो कविता पहन जी, तुसी आ रहे हो कि नहीं? थोड़ी देर में पहुंच रही हूँ आपके पास। एक बहुत ही अच्छी लड़की का रिश्ता देखा है। सच्ची? और आपको बिल्कुल पसंद आने वाली है, वो एकदम लाखों में एक है। ओ छेती करो भाई। हैं? ओके ओके जी ओके। कल रात ही मुझे प्यार का मतलब समझ आया और आज मैंने वीरजी की आंखों में नीति के लिए वैसा ही प्यार देखा। मतलब वीरजी नीति से प्यार करते हैं। और मैं, मेरा भी तो दिल उस लड़की को देख के कुछ ऐसा ही हुआ था। मतलब मैं उससे प्यार। ओए राजीव, पुत्र जी, कविता जी का फोन आया था, कह रही थी तेरे लिए बहुत ही बढ़िया रिश्ता लेकर आ रही है। इसमें कौन सी नई बात है मामा, डेली 10-12 नए रिश्ते लेके आते हो ना, अब कौन सी लड़की का रिश्ता आ रहा है? ऐसे नहीं तो फिर कैसे देखूं जी? अरे बाबा जी ने इतनी सोहनी शक्ल के साथ आपको इतनी जुबान भी दी है, तो जुबान को यूज करो ना और आपके सामने बैठी इस नीति जुनेजा की तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ करते चले जाओ। स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट, कम ऑन। वो नीति जी, मुझे आपकी तरह ज्यादा बोलना नहीं आता। ले, पर मुझे तो ज्यादा बोलने वाले लोग ही पसंद है। मतलब बातें करे तो ऐसे कि सुनते चले जाओ। आई लाइक रौनका शौनका लगाने वाले लोग। आपको नीति जी, मैं आता हूँ, कुछ काम होगा बाहर। बाबू जी, अरे कहाँ जा रहे हो? मेरी तारीफ में गजल गीत तो नहीं लिखने चले जा रहे? एक काम करते हैं, आज उल्टा करते हैं, मतलब आप मेरी तारीफ कीजिए और मैं बैठ कर सुनता हूँ आपको। पर तुम्हारी किस बात की तारीफ? तुमने कौन से झंडे गाड़े हैं आज? झंडे मतलब मैं आपके सपोर्ट में तो खड़ा था ना, राकेश और उसके बॉडीगार्ड से भिड़ गया था आपके लिए। पर मैंने तो नहीं कहा था भिड़ने के लिए। लेकिन तभी भी मैं आपके साथ तो खड़ा था ना, मतलब आपकी हेल्प में वहाँ पे। हेल्प तो मैंने की है, पर तुम्हारी तुमने थोड़ी की है। मेरी वजह से कंप्लेंट वापस हो गई, मेरी वजह से आज तुम खुले घूम रहे हो, नहीं तो जेल में होते। जी नीति जी, उसके लिए तो जिंदगी भर एहसान मंद रहेंगे। आप कहिए तो सही कि मैं आपके लिए कर क्या सकता हूँ, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। नीति जी, ये थैंक यू बहुत ही छोटा शब्द है आपके लिए। अगर आज आप नहीं होती तो मेरी परी मेरे साथ नहीं होती। अगर आज आप नहीं होती तो मैं इस घर में नहीं होता। अगर आज आप नहीं होती तो उस राकेश का, उस कमीने राकेश का कोई भांडाफोड़ी नहीं हो पाता। अगर आज आप नहीं होती तो हम गाजर के हलवे का इंतजार नहीं कर रहे होते कि अभी आएगा और हम बैठ के खाएंगे। हाँ क्या क्या तारीफ करना, चलो चलो कंटिन्यू। सुन तो मेरी बात। वो कौन सी लड़की जिसकी आपने फोटो दिखाई थी, वो उसके बारे में आपको बताना भूल गया कि मैं? वो लड़की भी बड़ी सोनी थी, मैंने तो बहुत पसंद आ गई थी। अरे लेकिन उसकी तस्वीर कविता पैन जी ने थोड़ी ना दिखाई थी, वो बिट्टू है ना बिट्टू, उसकी मम्मी ने दिखाई थी। पर उसका ब्याह कहीं और तय हो गया। हाँ मम्मी, मैं आपको यही बताने वाला था कि मैं उस लड़की से मिला था। इनफैक्ट उसका होने वाला पति भी साथ था। हाँ, एंड ऑनेस्टली मम्मी, वो लड़का बिल्कुल भी ठीक नहीं था। मेरे हिसाब से ऐसी लड़की को, मतलब उस लड़के से शादी नहीं करनी चाहिए। मम्मी वो लड़का ना, इतनी सारी बातें मैंने पता ही नहीं सी। मैंने तो ये भी नहीं पता था कि कुड़ीदा परिवार उसकी पढ़ाई लिखाई होते ही ब्याह करा देना चाहते हैं। पता होता ना तो बहुत पहले तेरा रिश्ता वहां भेज दिया होता। अरे ते जसवंत भाई साहब है ना, जसवंत भाई साहब, अरे सरपंच भाई साहब, अच्छा उन्हीं की तो कुड़ी है। बड़े अच्छे खानदान के, संस्कारी, बहुत पुरानी जान पहचान है हमारी उनके साथ। हाँ पर अब क्या फायदा बचता है जब चिड़िया चुग गई खेत। वो कोई गल नहीं, कविता बहन जी आ रही है ना, बढ़िया रिश्ता लेकर आ रही है तेरे वास्ते। मम्मी यार चुप कर, तेरी कुड़ी परफेक्ट है। एक चपेट मार देना मैंने तेरे को। सोना मुंडा देखना दी, सिम्मू फिर से भाग गई, सारी गाजर मैंने अकेले घिसी है, वो हमेशा ऐसा करती है। दी, परी दी। हाँ? क्या हुआ, किसके ख्यालों में खोए हुए हो? किसी के ख्यालों में नहीं, तूने ये सब कर दिया ना, अब तो जाए यहाँ से। अरे चली जाऊंगी, पर ये तो बता दो कौन है, नाम क्या है उसका? नाम ही तो नहीं पता। हाँ? मेरा मतलब वो कुछ नहीं, तेरा हो गया ना ये सब करके, चल अब तू जाए यहाँ से।
आए हाय जी, रौनक तो देखो चेहरे की, मतलब कोई तो है, कुछ तो पक रहा है। पक नहीं रहा पर पकेगा जरूर, गाजर का हलवा। अब तो जाती है दो एक चपेट। पता है ना कुकिंग के टाइम मुझे कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। कुकिंग के टाइम या किसी के ख्याल डूबते टाइम? क्यों दी नूपुर तू, चल भाग यहाँ से, बहुत बोलने लगी। जा यहाँ से, बहुत बोलती। चाची जी वो बेकार तंग कर रही थी, मैं फटाफट गाजर का हलवा बना देती हूँ। इतनी रात को ये गाजर का हलवा किसके लिए बन रहा है? नीति ने फरमाइश की है, उसे मेरे हाथ का गाजर का हलवा बहुत पसंद है ना, इसलिए बना रही हूँ। नीति यही है अब तक? परीदी। हाँ? किसके ख्यालों में खोए हुए हो? नाम क्या है उसका? भाग यहाँ से। ये लो गर्मा गर्म गाजर का हलवा। हाय वाह। ये लीजिए। थैंक यू। इतना सारा हलवा तुम खुद खाओगे? अरे ये क्या है जी, इससे भी ज्यादा खा लेता हूँ मैं तो। ये बस ऐसे ही। इतना मत खाया करो यार, कम खाया करो। ठीक है जी, आपने कह दिया तो बस हाथ से बस एक ही कटोरी हलवा खाऊंगा, प्रॉमिस। हाँ देख के तो लग रहा है कहीं ना कहीं वीर जी के दिल में नीति के लिए फीलिंग्स है। वैसे नीति जी प्रॉमिस तो कर दिया, लेकिन क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आपने मुझे मना क्यों किया ज्यादा मीठा खाने से? अरे भाई सिक्स पैक वाली बॉडी में कितने अच्छे लगते हो तुम, इस हलवे के चक्कर में ना पेट बाहर निकल आएगा। एक काम करो अपना हलवा भी मुझे दे दो। ओए वीर जी तुझे कभी नहीं देंगे, उन्हें भी तेरी तरह मीठा बहुत पसंद है, और गाजर का हलवा तो वो कभी नहीं देते। क्यों वीर जी? देखा मुझे पता था विक्की मुझे मना कर ही नहीं सकता। अब ये नहीं पता क्यों नहीं मना कर सकता, पर पॉइंट ये नहीं, पॉइंट ये है कि उसने मुझे अपना हलवा दे दिया। थैंक यू विक्की। वेलकम जी। वो नहीं परी, ये शेयरिंग इज केयरिंग, और नीति जी सही कह रही थी ज्यादा मीठा सेहत के लिए हानिकारक होता है, तो दे दिया। परी एक काम कर, किचन से जाके एक टिफिन लेकर आ और ये पूरा हलवा ना पैक कर। लेकिन तू तो अभी खाने वाली थी ना? हाँ तो खा रही हूँ ना, ये वाला पैक करके लेके जाऊंगी कल के लिए। अच्छा चल मैं खुद ही पैक कर लूंगी। बाय। थैंक यू विक्की। बाय 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 बाय। क्या चक्कर है वीर जी, आप तो अपना मीठा कभी किसी को नहीं देते, फिर नीति को कैसे दे दिया? अरे उसमें क्या है, मन किया बस दे दिया। मन का चक्कर है या फिर दिल का? दिल में क्या है पतली, कुछ भी बोल रही है। ऐसा कुछ नहीं है, नीति तेरी फ्रेंड है, तो बस इस बार उन्हें नहीं देता तो तुझे बुरा लग जाता। मुझे बुरा लगता या आपको अच्छा नहीं लगता? आपको नीति अच्छी लगती है? अगर आपको नीति अच्छी लगती तो आप उसे बताते क्यों नहीं? आपकी फीलिंग्स उस तक पहुंचाने में मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। वीर जी आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लगोगे, और मैं नहीं चाहती कि आपकी चुप्पी के कारण आपका प्यार आपसे दूर हो जाए। किस्मत का खेल तो देखो, मुझे और वीर जी दोनों को एक साथ प्यार हुआ है। हे बाबा जी कुछ ऐसा करना कि हम दोनों का प्यार सफल हो जाए।